हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले चक्रवर्ती ब्याज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप। इससे पहले हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन है, छमाही तिमाही वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर किसी राशि पर फर्स्ट ईयर का ब्याज मान लीजिए 70 है, ठीक है, 10% की दर से, तो इसी राशि पर दूसरे वर्ष क्या ब्याज प्राप्त होगा। तो 70 तो प्राप्त हो गई होगा, 70 का भी 10% और प्राप्त होगा, और 70 का अगर हम 10% लाएंगे तो आएगा 7, तो हो गया 77। तो यह चीज आप लोगों से इस क्वेश्चन में बहुत बार आगे के क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा है वही चीज इसमें काम में आने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 4% की ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 7500 रुपए लेता तो 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक है। तो वही मूलधन इंटू 4% की दर है ना, 104 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 3 बार 25 से 4 बार, 2 से 52 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये भी 52। अब देखो पूरा गुणा नहीं करना, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 1 अंक 2 आना चाहिए। यहां है इन सब में। अब देखो यहां क्या पूछा हमसे, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ये जो रुपए आ रहे हैं ना, ये तो ब्याज समेत रुपए मिश्रधन है, हमें तो ब्याज बताना है। और दो यहां है नहीं, यहां है नहीं, तो आंसर इन दोनों में से हो सकता है। ये क्यों नहीं हुआ बताओ। अरे भैया ये तो मूलधन से भी ज्यादा है, इसका मतलब ये तो मिश्रधन है। तो अपने ब्याज कितना हो जाएगा, 612 रुपए। आप रिजल्ट लाओगे ना तो रिजल्ट अपना कितना बन जाएगा, 8112, और ब्याज कितना बनेगा, 612 रुपए। अब मुझे बताइए मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ये हो जाएगा 500 और 112, 612। क्लियर इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 8% से 1 वर्ष 6 महीनों के लिए 15625 उधार दी, ब्याज की दर 8%। 1 वर्ष 6 महीने का मतलब 1.5 साल, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 18 महीने होते हैं 1.5 साल, और दर भी आधी हो जाती। तो दर आप बताइए 8 का आधा कितना 4। और आप मुझे बताओ सेकंड वाला जब टाइप पढ़ा था कितने सारे क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस किए थे, ओके। तो आप बताइए रुपए 15625 इंटू 104 बटा 100, फिर 104 बटा 100, फिर 104 बटा 100। क्लियर है, 4 से वैल्यू कट भी रही है। 4 से देखो 4 दूनी 8, 26 बार 25 बार, 26 बार 25 बार, और ये 26 बार ये 25 बार, ओके। 25 इंटू 25 625 करेंगे 15625, ये वैल्यू इसको पूरा पूरा कैंसिल कर देगी। क्लियर है। अब 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना बन जाएगा, 17576। हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है तो लास्ट में ये घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 15 में से 6 गए 9, और 1951 रुपए आपका राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी अप्रोच। लेकिन अर्धवार्षिक में क्या करते बताओ, हर 6 महीनों में ब्याज लगता है, और तिमाही में क्या करते बताओ, हर 3 महीनों में ब्याज लगता है। आगे बढ़ते हैं, 31,250 का 8% से 2 से 3/4 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 2 से 3/4 वर्षों का, तो देखो 2 से 3/4 का मतलब समझे, 2 साल तो दर पूरी और 1 साल उसका 3/4, और आप ही बताओ 8 का 3/4 कितना हो जाता है, 4 से 2 बार 3 दूनी 6 होगा या नहीं होगा बताइए। तो कोई बात नहीं, 31,250 वापस कह रहा हूं, 2 साल दर पूरी लगेगी 8%, 108/100, फिर 108/100, और 1 साल उसका 3/4, और जो हो जाता है 106/100। अब सिर्फ इसको हल करना, 27 बार 25 बार 27 बार 25 बार, 25 से कम 25, 6 बचे, 25 दूना 50, 25 50, 25 से वापस ये 5 होगा, 5 से ये बोलो 20 बार, 2 से ये 53 बार, 2 से ये 10 बार, और ये 0 कट भी रहेगा और बचा हुआ था ना। अब ये गुणा करना है सिर्फ साथ साथ, 50 इंटू 3, 9 या 27 में ये 7 बढ़ जाएगा लास्ट में। यहां से जो वैल्यू को आप सोल्व करेंगे ना, आपका रिजल्ट कितना बढ़ेगा, 38,637। मुझे बताओ 38,637 में से 31,250 घटा लीजिए, 7, 13 में से 5 गए 8,
और पांच में से दो गया तीन, और सेवन, सेवन थ्री एट, 87 डी इज द राइट आंसर। बस ये वाली बात जिसको समझ में आ गई, दो से तीन बटा चार का मतलब ये होता है कि दो साल दर लगेगी पूरी और एक साल दर का तीन चौथाई हिस्सा लगेगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। 4% से एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपए प्राप्त होते हैं जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है, तो धनराशि कितनी है? तो देखो एक वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक में छह छह और दर 4% है, तो दर 4 का आधा बोलो कितनी होगी, 2%। अब मिश्रधन दिया है, मूलधन लाना है, तो देखिए 100/102, 100/102। अब एक ही बात आप पूछेंगे यहां पर कि सर अभी तक तो हर बार हम 102 को ऊपर रख रहे थे, इसमें हमने 100 को ऊपर क्यों रखा? उसका रीजन ये है क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन लाना है। 2 से देखो 50 बार, 2 से देखो 51 बार, फिर 50, फिर देखो 51, ये गुणा कर लेंगे कितना बन जाएगा, 25 से वैल्यू कट जाएगी तीन बार, 51 का गुणा कर लीजिए, 1, 5 और 5, 10, 25, 1, 26 और 3 बार, 18, 6 और 1, 7, बिल्कुल ये वैल्यू इसको कितनी बार कैंसिल कर देगी, 30 बार, 15 तिया 45, 25 तिया 75, और रिजल्ट आ जाएगा 75,000 जो आपके इस डी ऑप्शन में मौजूद है। 75,000 इज द राइट आंसर। अब देखो किसी निश्चित धनराशि पर 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है, ठीक है, इसी धनराशि पर उसी दर से उतनी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो अगर वो अर्धवार्षिक, ये कौन सा हुआ फिर बताओ? कुछ नहीं बोलते तो मैंने कल भी बोला था जब कुछ नहीं बोले तो वो ऑटोमेटिक दर फिर साधारण में, याद रखने इस चीज को, ओके। 10% की दर से एक साल का, देखो एक साल का 10% से ब्याज कितना बन रहा है, एसआई तो पुलिस शॉर्ट में साधारण ब्याज ये 400 बन रहा, चक्रवृद्धि ब्याज में बोल रहे ब्याज की दर 6 माही है, तो दर देखो 2 बार ब्याज आएगा और जो दर होगी वो 10 थोड़ी होगी, फिर 10 का आधा बोलो 5 हो जाएगा, तो वो क्या कह रहे हैं इसी धनराशि पर 10%, तो एक काम और भी कर सकते हो यहां से मूलधन मिला, नहीं तो देखो 5% की दर से टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, यहां से एक काम कर सकते हो, छोटी सी बात सुनो, हम कह रहे हैं 10% से एक साल का ब्याज 10 बढ़ता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता बोलो, 10% अगर 400 का है तो बताओ 1% कितने का, 40 का, और 100% बोलो 4,000। अब हमें मूलधन मिल चुका है, चलो ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में हमें बोला 6-6 महीनों में ब्याज जाएगा, जो दर होगी वो 10 का आधा बोलो 5%, तो क्या करेंगे देखिए, 4,000 × 105/100, 105/100, ठीक है, चलिए यहां से देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 21 बार, और इसको हम गुणा कर लेंगे 100, 210, 210, 4,410। अब मुझे बताओ यहां से ब्याज कितना बढ़ा, 410 रुपए, और वही हमसे पूछा है अर्धवार्षिक अगर संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 410। क्लियर, वापस देखो 10% से एक साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 10 होता है, हम 10 कह रहे, वो कह रहे भैया हमारे हिसाब से तो 400 है, तो 1% 40 का और 100 हो गए 4,000, तो यहां से 4,000 × 105/100, 105/100, 4,410, तो ब्याज कितना बढ़ा, 410। 12% से 3 साल के किसी राशि पर साधारण ब्याज 6,750 है, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखो साधारण ब्याज ये है, तो पहले मुझे मूलधन लाना पड़ेगा, और मूलधन लाने का तरीका होता है, अब ये सीख चुके इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय, होता है नहीं होता है बताओ, और दर लानी होती है तो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय हो जाता है, ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं इस वैल्यू का, जैसे इसको हल करेंगे तो हम लोगों को यहां से मूलधन कितना मिल जाएगा, 18,750, ठीक है। अब वो कह रहे इसी राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित करने पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 112/100, 112/100, फिर 112/100, चलिए 4 से 4 दूनी 8, 3, 8 चौक 32,
25 हुआ, फिर 28 से फिर 25 हुआ, फिर 28 से फिर 25 हुआ, 25 का भाग भी दे सकते हो। अब फाइनली जब आप इसको हल करेंगे 28 इंटू, तो ये आ जाएगा 26,342.40। अब मुझे यहां से बताइए मूलधन कितना था, 26,342.40 में से मूलधन घटा लीजिए, 0.40 बार 2 का 2, 14 में से 5 गए 9 और 12 में से 7 गए 5, यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी 7592, और 7592 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये बस यहां से पहले मूलधन आपको लाना पड़ेगा और मूलधन यहां पर रखते ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। पहले वर्ष का ब्याज बहुतर है तो दूसरे का क्या होगा, पहले साल बहुतर है भैया तो दूसरे साल बहुतर तो देना ही देना, लेकिन बहुतर का इसी दर से और ब्याज लगेगा। अब आप सब बताइए बहुतर का 8% क्या होगा, 8 × 2 = 16, 1 × 56 = 57, 5.76 ये जोड़ लेंगे तो आएगा 77.76, और 77.76 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से समझ सकते हो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां तक की बात क्लियर है सभी को, 172,000 का 8% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 172,000 का 8% से 108 बटा 100, ये तीन बार गुणा क्यों किया बताइए, 3 साल का समय हमारे पास। क्लियर इट, यहां से देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो ही रहे हैं, बाकी अगर आप गुणा करेंगे फाइनली तो वैल्यू का मान कितना बढ़ जाएगा अपने पास बताइए, 1 से निकटतम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहां से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 670611, ये बनेगा 216,670 मिश्र धन बना। अब हमें बोल रहे हैं कि ब्याज कितना होगा, फिर तो भैया जो ये है इसको बता लीजिए, तो 670, 6 में से 2 गए 4, 11 में 7 गए 4, 44,670, और 44,670 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, ये तीन बार गुणा करना टाइम के हिसाब से, 7500 का 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% की दर से ब्याज ज्ञात करो, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। अब थोड़ा समझना, 4 महीने मतलब 4/12 करो तो देखो 1/3 आया। अब मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, ऐसा जब समय आता है तो 2 साल तो दर पूरी और 1 साल दर का तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो आप देखिए 7500 × 112/100 और 1 साल दर का तीसरा हिस्सा 12 × 1/3 है ना, 4% होता है, वो सिर्फ उसके लिए लगेगा ना, 104/100। अब जब इसको हल कर लेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज थोड़ी समझदारी से समझनी पड़ेगी आपको। तो 97,84.32, ओके, तो अब बताइए इसमें से 97,84.32 में से मैं 7500 घटा दूं, 0.32 4 8 7 5 2 2284, तो लगभग इसको हम 2284 बोल सकते हैं, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, चलिए बस ये चीज समझ रही है कि समय जब इस फॉर्मेट में आए तो कैसे हल करना। 25,000 का 3 साल के लिए 12% से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो 25,000 × 112/100, फिर 112/100, फिर 112/100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 से बोलो कितनी बार 4, 2 से 56, 2 से 2, फिर 2 से 56। अब इसको गुणा करके एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा,
जब ये गुणा करोगे तो आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा? 35,123.20। तो मुझे बताओ 25 से 35 हो गए तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बढ़ा? घटा लीजिए 10,123.20 जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। बस ये गुणा करना था। तीन बार गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास तीन साल का समय था। 112 क्यों आया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 12% था। 24,000 रुपए, दो वर्ष में 25% की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो 24,000 रुपए का 25% की दर से 125 बटा 100। तो देखिए तीन जीरो से तो तीन कैंसिल ही हो गए। 25 से देखो पांच का भाग दीजिए दो बार और पांच का भाग, पांच दो नहीं दस, 25 बार, और दो से ये कितनी बार? 12 बार। अब ये गुणा हमें करना है सिर्फ, और जैसे ही हम ये गुणा करेंगे तो अपना रिजल्ट कितना बन जाएगा देखो, 37,500। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 24 से 37 हो गए तो हमें तो चक्रवर्ती ब्याज बताना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते 37,500, लेकिन हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया। इसमें से 24,000 को घटा लीजिए और जैसे ही घटाओगे 13,500 अपना उत्तर बन जाएगा जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवर्धित किया जाए तो दो वर्ष में 48,000 रुपए का 20% से चक्रवर्धित ब्याज क्या होगा? 48,000 रुपए का 20%। ये भी चक्र सेम जो पहले वाले टाइप के क्वेश्चन है ना, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। देख लो तीन जीरो से तीन जीरो और जीरो से जीरो। अब ये गुणा करना, 16 16 32, लास्ट में 2 आएगा। अब ये जब हम गुणा करेंगे तो अपना फाइनली उत्तर कितना बनेगा? 69,120। अब मैंने बोला बच्चे गलती करेंगे, देखो यहां पर हमें क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अगर हमें यह पूछते ना ये राशि कितनी हो जाएगी तो नो डाउट अपना यही उत्तर बनता, लेकिन मिश्र दर नहीं पूछा अपन से, तो सीए ही पूछा और सीए ही हो जाएगा 69,120 - 48,000। तो 120 9 में से 8 21,120 जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 40,000 का दो वर्ष में 20% की दर से ब्याज क्या होगा? वार्षिक संयोजित होता है। तो 40,000 120 बटा 100 120 बटा 100। 4 से 4 0, इनका 4 2 8 8 2 16, ये गुणा करना है। और जब ये गुणा करोगे तो ये कितना बढ़ जाएगा देखिए, 57,600 रुपए। अब यहां देखो पूछा ना कितना हो जाएगा, मैंने साधारण ब्याज में भी बोला जब भी हो जाएगा, हो गए, होंगे, तो वो मिश्र धन को दर्शाता है। तो ये मिश्र धन कितना हो गया? 57। इस बार देखो हमने नहीं घटाया। क्यों नहीं घटाया? क्योंकि हमसे ब्याज नहीं पूछा था, हमसे पूछा ये है कितने रुपए हो जाएंगे। 125,000 का 8% की दर से उधार ली जाती है, दो वर्ष के अंत में कितने रुपए दिए जाएंगे? मतलब वही बात है, आपसे टोटल अमाउंट पूछा गया है 125,000, 8% है ना, तो 108 बटा 100, फिर 108 बटा 100। तो देखो तीन जीरो से तो कैंसिल हो ही रहे, 5 से 25 से, 5 बार, 5 से बोलो 2 बार, 2 से ये बोलो 54 बार। अब ये सिंपल सा गुणा करना, जैसे ही हम ये गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 145,800। हमें इस बार मिश्र धन ही बताना, ध्यान रखना कितने रुपए अदा किए जाएंगे, तो अदा किए जाएंगे 145,800। ओके, 10,000 रुपए का 20% की दर से उधार दिया गया दो वर्ष के बाद, क्या ब्याज की गणना 6 माही की जाती है। अभी तक जो भी थे आपने पढ़ा वार्षिक गणना की गई थी, लेकिन इस बार 6 माही गणना की गई है। तो क्या करेंगे देखो, 10,000 का एक, अब देखो दर अपनी कितनी हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है 20 बटा 2, तो दर तो आप होगी 10% होगी। और 2 साल है, 6 माही गणना है, तो देखो 6 6 6 और 6, बताओ क्यों? अरे भैया 2 साल का मतलब 24 महीने होते हैं और 6 6 महीनों के 4 जोड़े बनेंगे। क्लियर इट? तो 10,000 × 110 बटा 100 कितनी बार लिखेंगे बोलो? 4 बार। अब 110 बटा 100 को 11 बटा 10 भी लिख सकते हैं, इतनी समझदारी अब आपको आ चुकी होगी, ठीक है? वो समझाने के लिए पूरा लिखा, बाकी जीरो कट होता है इसमें डायरेक्ट।
चार जीरो से चार जीरो और बाकी चार जीरो से बाकी चार जीरो। अब 11 का ये गुणा कर लेंगे ना, 11 इंटू 11 121 इंटू 121, तो ये जो मल्टीपल बढ़ जाएगा अपना कितना बढ़ जाएगा 14,643। और वैसे इकाई अंक एक इन दो में ही बन रहा था, तो ये अपना राइट आंसर 10,041 तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है 11 से गुणा 41 तो क्या आएगा 10,000 तो था ही, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 5,000 का 3 वर्ष के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको इजी वैल्यू दिखे तो आप ऐसे कर लो, 10 का 10% 1 तो 11, 11 का 10% 1.1 तो 12.1, तो टोटल कितना 33.1% ब्याज होगा। तो सीधा 5,000 का 33.1% लेकर आएगा, परसेंट है तो बटे में 100, पॉइंट है तो 0 भी तो है, 3 0। अब देखिए कितना बन जाएगा, 5 एकम 5 15 और 1 16 55 पहले ऑप्शन में मौजूद। कभी कभी ऐसे गणना कर सकते हो, वैसे आप 10, 20, 30, 40 इन सब में ऐसी गणना कर सकते हो, लेकिन कल को 6 आ जाए 8 आ जाए तो फिर वो 6 का 6% उसमें जोड़ना, फिर उसका वापस 6% निकालना, वो थोड़ा भारी पड़ता है। ओके, 7500 का 5% से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 वर्ष बाद, और 7500 का 5% को ऐसे लिख दे 21/20, बताओ क्यों, 105/100 आएगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ज्यादा सही रहेगा, 105/100 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
75 में से 7500 गए, 68 13 में से 5 गए 8, 868 पॉइंट 75, 768 होगा ना, 6 में से 5 7500 में से 68 हो गया, 13 में से 7 गए, कितना भरा मैं बता देता हूं, 82 है, 1 मिनट ना, 82 68 पॉइंट 75 है। अब इसमें से कुछ नहीं करना, 82 68 पॉइंट 75 में से 7500 घटा लेना, 75 फिर ये 68, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 17, 8 में से 12 में से 5 गए तो 7 हो गए, 7 में 768 पॉइंट 75 ये आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। ये गुणा करोगे ना तो ये रिजल्ट बनेगा, और कुछ भी नहीं है बस। आगे देखिए, 4500 का 4% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 4500 × 104/100 ओके, 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो, और यहां भी वार्षिक गणना की गई है ध्यान रखना, जब इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4867.2। हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये नहीं पूछा कितनी राशि होगी, तो 4867.2 में से 4500 घटा दीजिए तो आ जाएगा 367.2, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8000 का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वार्षिक गणना करनी है। 8000 × 104/100 तो 3 जीरो तो कैंसिल हो ही रहे थे, कैंसिल हो गए, इनका गुणा करके एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो इनका जब गुणा करते हैं तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 8652.8। हमें तो सीएई बताना है, तो सीएई का मान 8652 में से ये गए तो 652.8 हो जाएगा, जो आपके पहले ऑप्शन मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 उधार लिए, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, तो 3000 × 105/100 अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, इसका गुणा करो 110/25 × 3/10 तो 33075/10। मुझे ये बताइए कितना बढ़ गया, 3307.5। अब पूछा क्या, देखो
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा सी आई। अब आप ही बताइए 3000 से ये हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज 307.5 जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में। 3500 रुपए का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से उधार लिया, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3500 रुपए का 4% से 104 बटा 100 वार्षिक संयोजित है इसीलिए डायरेक्ट कर लिया हमने इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनका गुणा कर लेंगे हम लोग, कितना बन जाएगा देखिए, ये गुणा करेंगे तो बन जाएगा अपना 3785.6। हमें क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो सीआई का मान 3700 में से 3500 गए 2085.6 तो 285.6 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। रवीश ने एफडी में निवेश किया, परिपक्व होने पर कुल जमा राशि मिलेगी यदि 5505 छह महीनों के लिए 20% पर निवेश किए और ब्याज की दर तिमाही है, इस बार अर्धवार्षिक नहीं है, तिमाही है। तिमाही का मतलब 6 महीनों के लिए दिया लेकिन 3-3 महीनों में 2 बार ब्याज लग जाएगा और 3 महीने साल का 14 हिस्सा होता है तो दर हो जाएगी अपनी 5%। तो 5500 × 105/100 आपको कह सर ये 2 बार गुणा क्यों हो रहा है, समय तो 6 महीने था लेकिन जब 3 महीनों में ब्याज देंगे तो वही ब्याज साल में 2 बार जाएगा, इस वजह से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, ये गुणा कर लीजिए और जैसे ही देखो ये गुणा करोगे 5 से 21 बार, 5 से बोलो 20 बार, फिर 5 से 21 बार, 5 से बोलो 4 बार, इनका गुणा करके 4 का भाग देना और जैसे ही भाग दोगे तो आएगा 6063.75 और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। और हमें यही पूछा इस बार कितनी राशि मिलेगी, ये नहीं पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो फिर मुझे 5500 भी घटाने पड़ते इसमें से। ओके, 3500 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, 2 वर्ष बाद क्या होगा वार्षिक संयोजित है तो 3500 × 105 इससे सरल तो क्या होगा भैया आपके 105/100, 2 साल था तो 2 बार गुणा दर 5 थी तो इसको सॉल्व कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, गुणा करने के बाद 2 अंकों पर पॉइंट लगाना है और जैसे ही हम ये गुणा करेंगे अपना रिजल्ट कितना बन जाएगा 3858.75 पर हमें तो बोला सीआई क्या होगा, इसमें से ये घटा लो 358.75 जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, आगे देखिए। प्रीतेश ने 4500 रुपए को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा वार्षिक संयोजित है तो 4500, सेम क्वेश्चन था 3500 की जगह 4500 आ गया, 105/100 अब ये गुणा कर लेना हमें, जैसे ये गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4961.25। हमें क्या पूछा देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई का मान हो जाएगा 4961.25 में से 4500 गया 461.25 जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 है, इसी पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो साधारण ब्याज कितना है इसी राशि पर 8% से 2 साल का चक्रवृद्धि, पर राशि तो पता करें मूलधन, तो मूलधन कैसे लाते बोलो, ब्याज इंटू 100/दर × समय, इसको हल करना पड़ेगा, जैसे हल करेंगे क्या रिजल्ट, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 1 बचा 3, 3 9, 2 बचे 8 बार, ठीक है और वैल्यू कट रही है 4 से 25 बार और 4 से बोलो 3 बार, 1380 × 25/3, 4 3 12 ये हो गया 0, 25 × 150, 100 और 15, 115, तो 11500 रुपए अपना मूलधन आएगा, कितना आएगा 11500। अब वो कह रहे इसी राशि पर 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 108/100, 108/100, 0 से 0 कैंसिल, इनका गुणा कर लेंगे तो
तो कितना मूल्य बन जाएगा देखो। तो यहां से जब सीए पता करोगे ना वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी 1913.7। यहां जब भी गणना करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसमें से अगर ये घटाओगे तो सीए का मान ये, इसका गुणा ये नहीं आएगा, इसका गुणा मतलब 11,500 से कितना ज्यादा आएगा 1913.7, तो उसमें से घटाओगे तो ये अपना सीआई बन जाएगा। अब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है 62,500 का 21% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का ब्याज बताओ। अब देखो डेढ़ वर्ष का ब्याज हमसे पूछा है, उसमें अभी इन्होंने दर के रूप में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया नहीं है, ठीक है भाई। अब मेरी बात को ध्यान से, डेढ़ वर्ष का मतलब एक साल दर पूरी और एक साल आधी कॉन्सेप्ट में लगा है, ठीक है। एक साल दर लगेगी पूरी और एक साल दर क्या लगेगी आधी। तो देखो 121/100 और एक साल आधी, 21 का आधा कितना हो जाएगा भाई 10.5, तो 110.5/100। और जब इसको हल कर लोगे, यहां से पॉइंट हटा सकते हो आप, पॉइंट हटाओगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो 83,187.5 बनेगा। यहां से सीए कितना बन जाएगा देखो, घटा लीजिए और जैसे ही घटाएंगे 20,687.5। अब जब कुछ भी नहीं बोला तो इसको अर्धवार्षिक वगैरह हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ओके। तो टाइप नंबर फोर्थ में हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक्स रुपए की राशि पर 8% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 है, ठीक है। साधारण ब्याज और 4,000 की राशि पर 10% से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होता है, तो x का मान पता करके बताना है। 4,000 रुपए की राशि पर 10% से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर, तो पहले तो मुझे बताइए 4,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा। तो 3 0 से 3 0 0 से 0, 121 × 1210 × 4 कर लीजिए, 0 4 8 4,840। तो ये बताओ यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 840। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो साधारण ब्याज है इसका क्या है आधे के बराबर है, तो यहां से अपना मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन होता है ब्याज इंटू 100। अब जो ऐसा ही है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो इसका आधा है 420। तो ब्याज इंटू 100 बटे में मूल दर कितनी है 8 और समय बोलो 3 से 140, 2 से 70 और 2 से 4 और 4 से 25, 0 7 5 35, 3 14 3 1750 रुपए आपके x का मान बन जाएगा। अब बताइए बात समझ में आई, पर पहले ये सी आई नहीं निकालोगे ना तब तक आप साधारण ब्याज को बोल नहीं सकते कि अब ये साधारण ब्याज कौन सी वैल्यू का आधा है। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है 840, तो ऐसे ही 420 और मूलधन होता है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, जो हम साधारण ब्याज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% चक्रवृद्धि ब्याज, समान समय में उसी राशि पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है, मतलब एक तरह से दोनों के बीच का अंतर 10 है, तो मूलधन बताओ। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको पता हो तो कल वाले टाइप में, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 दर बटा 100, और ये बताओ 3 साल होगा तब दर बटा 100 300 + दर बटा 100। आज अंतर हमें दे रखा है कि 10 रुपए का अंतर है, मूलधन हमें लाना है, दर है अपनी 5/100 5/100, तो 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से ये भी 20 बार, 400 × 100 कर लीजिए, 400 × 10, तो मूलधन हो जाएगा 4,000, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब चाहोगे सर इसका एक और तरीका बता दो, तो दूसरा तरीका ये है, इधर ऐसा ही इधर सी है, 5 और 5 कितने हो गए बोलो 10%, और इधर देखिए 5 5, लेकिन 5 का 5% 0.25, तो ये हो गया 5.25, तो कुल कितने हो गए 10.25। अब मुझे बताओ अपने हिसाब से दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 0.25 का, 0.25% किसके बराबर है 10 के, 1% 10/0.25, पॉइंट हटाया तो 0, तो 1% पड़ा 40 का, और 1/40 का है तो 100 कितने के हुए 4,000 के। जो इस तरीके से करना चाहे इसको, ये कितने साल के लिए भी काम आ सकता है, भले 5 साल होंगे वो, तो देखो भी क्या होता है एग्जाम में अधिकतर जो है ना 2-3 का आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रिक याद कर लो, अगर किसी को वो स्ट्रिक से याद नहीं करना तो इस वाले तरीके को फॉलो कर लीजिए, 4 साल होंगे तो 4 बार लिख देना, इधर 4 साल का ब्याज फिर अंतर देख लेना, दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर,
मूलधन दिया होता है तो अंतर पूछा जाता है, और अंतर दिया होता है तो मूलधन पूछा। अगर यहां पूछ लेते 4000 रुपए है तो अंतर बताओ, तो हम क्या करते 4000 का बस 0.25% निकाल लेते। परसेंट है तो बटा 100, पॉइंट हटाए तो 2 जीरो आ गए, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 से 5 बार 2 बार, 5 से 2 से 2 बार, 5 दूनी 10 रुपए का अंतर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। तो वापस कह रहा हूं, अंतर दिया होगा तो मूलधन पूछेंगे और मूलधन दिया होगा तो अंतर पूछेंगे। क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से ये है तो वह राशि पता करके बताएंगे। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो ध्यान देना, ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल के 600 रुपए है साधारण ब्याज, तो पहले साल भी 330, दूसरे साल भी 330। बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने हमेशा आपको बोला, अभी भी कॉपी में लिख देना, साधारण ब्याज समान रूप से चलता है, एकदम समान रूप से। क्लियर इट? चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी फर्स्ट ईयर तो यही रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर इसमें से ये घटा लीजिए तो 6, 9 में से 3 6, फिर 6 में से 366.30 यही होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने रुपए आपने अतिरिक्त दिए यहां से यहां में, आप कहोगे यही होगा ना, 696 में से 330 घटा लो तो 6 आ रहा है, 9 में से 3 6 फिर 366, कितने रुपए अतिरिक्त दिए 6 में से 3, 36.30। कितने पर दिए? 330 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, 33 एकम 33, 3 बचे 33 एकम 33, 11% की दर। इस दर से ही हम मूलधन लाएंगे। मूलधन लाने का तरीका होता है ब्याज इंटू 100। 1 साल का ब्याज पता है तो रख दीजिए, ब्याज इंटू 100 बटे में दर बोलो 11 और समय 1 साल। आपको कहोगे सर क्या हम 2 साल का ब्याज रख सकते हैं? साधारण ब्याज से ला रहा हूं, ध्यान रखना, मूलधन बिल्कुल रख सकते हैं, पर 2 साल रखोगे तो टाइम भी फिर 2 रखना है यहाँ पर। 1 साल का सबसे बेस्ट रहता है। 11 से ये 30 बार, 30 × 10 करेंगे 3000 रुपए, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है भी ये वाला, और सबसे सरल तरीके से बताया मैंने आपको। 5% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 है, तो उसी अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले देखो 5% से 3 साल का ब्याज कितना बनता है बोलो? 15% बनता है। 15% 1260 का है तो 1% बोलो, 15 × 8 = 120, 1% 84 का, और 100% कितने के हो गए? 84 × 100 तो 8400। ये अपना मूलधन आ गया। अब इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लाना, इसी दर से 105/100, 105/100, फिर 105/100। क्लियर इट? अब ला सकते हैं आराम से 105/100 से, और जब इसको हम हल करेंगे तो अपना रिजल्ट कितना बन जाएगा देखिए। तो 97.25, तो से कितना बना 8400 से हो गया 6 7 6 1300, 1324.05, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, पर जब मूलधन पता होगा ना तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी हम लोग ला सकते हैं। 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, उसी राशि पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले तो मुझे बताओ, पहले साल 10%, क्योंकि 2 साल का इजीली आप कर सकते हो, दूसरे साल 10 का 10% तो हो गया 11, हमारे हिसाब से कितना बना बोलो? 21, 21% अगर 2100 का आता है तो 1% कितने का पड़ा? 100 का। और मुझे बताइए साधारण ब्याज समान रूप से चलता है, पहले साल 10% है तो दूसरे साल भी 10 होगा, 10 और 10 ऐसा ही तो 20% हो गया, तो 1% 100 का है तो 20%, 100 × 20 हो गया 2000, और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए जमा की गई 10% साधारण ब्याज की दर योजना में निवेश किया, जिसमें 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज 1683 प्राप्त होता है, तो मूल राशि ज्ञात करो। 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए जमा की गई,
और इससे जो राशि प्राप्त होती है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वाली दर में निवेश किया, जिसमें 2 वर्ष में ब्याज 1638 बना। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में 10% से निवेश किया, 10 और 1 हो गया 11, तो टोटल अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 21 बना। 21% किसके बराबर है बोलो, 1638। 1% बोलो 1638/21, 7 बार भागे, 7 × 7 = 14, 147। पीछे कितने बचे भी, 13 में से 7 गए 6 और 5 में से 168 और 8 बार गया, तो 1% 78 का पड़ा। मूलधन लाना है तो आप बताइए 1% कितने का आ रहा, 78। अब यहां से बताओ चक्रवर्ती ब्याज कितना बढ़ेगा, 8 × 7 = 56%, तो आप बताइए 78 × 56 कितना बन जाएगा, 78 × 56 कर लेंगे, 1 और चीज इसमें ध्यान रखना आप लोग कि अगर यहां पर भी राशि और समय समान होता ना तब तो 7800 बन जाता, लेकिन यह राशि और समय अलग अलग है। 1% का मान कितना बन रहा बोले 78, तो 8% से 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो मूल राशि लानी हमें, तो मूल राशि हमारे यहां पर कितनी बन जाएगी, 1638। है ना, तो 78 × 56 कीजिए कितना बन रहा, वो गुणा करना पड़ेगा, 8 × 48 = 4, 42 × 40 = 82 + 6 = 8, 35 + 8 = 4368, 4368 हो जाएगा 56% का। अब देखो अपने साधारण ब्याज आ चुका है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन लाना है ना, दर इंटू 100, कितनी बार भाग चला जाएगा देखो, 8 × 8 = 40, 8 × 32, 4 × 8 = 47, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 56, 78 × 100 = 7800। 7800 बन रहा है 7800। चलो एक मिनट के इसमें कुछ दूसरा अप्रोच देखते हैं क्या चीजें क्वेश्चन में। 8% साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए राशि जमा की गई, परिपक्व राशि को यहां से जो रुपए मिलते हैं ना उसको फिर निवेश किया गया, इसका मतलब आप समझे ये जो 7800 रुपए है, बिल्कुल सही था आपने यहां तक, एक मिनट, यहां तक बिल्कुल सही है। 1% अगर 78 का है तो अपना 100% कितने का पड़ा, 78 × 100 करेंगे तो 7800 पड़ गया, लेकिन ये जो 7800 है यहां पर परिपक्व राशि यानी मिश्रधन है 7800, तो मूलधन क्या होगा मुझे बताओ, 100 × 56 का ब्याज 156, तो मूलधन 100/156, ये से कितनी बार कट जाएगी वैल्यू बोलो, 5 बार कटेगी, 50 × 6 = 30, 25 × 3 = 28 बिल्कुल कटेगी, और 50 × 100 करेंगे मूलधन आ जाएगा 5000, बिल्कुल यहां से ही था, एक स्टेप सिर्फ हमको आगे फॉरवर्ड करना है, वो चीज हम इजीली कर सकते हैं। वापस देख लो पहले ये चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान रखना, 10 और 11 = 21 हो गया, 21% ये है तो 1% 7800 हो गए 7800, ये वो राशि आई जो परिपक्व होने पर हमें मिली थी टोटल। अब आप बताओ 8% से 7 साल में इतने रुपए हो गए, ये मिश्रधन है तो मूलधन होगा 100/156, इससे बिल्कुल ये 50 बार कटेगा और रिजल्ट आएगा 5000। आगे बढ़ते हैं, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 660 रुपए है, समान दर पर 640, अभी हमने डिस्कस किया था, बताओ ये SI है और ये CI है, 2 साल के 660 है तो पहले साल 330, दूसरे साल 330, यहां भी पहले साल साधारण और चक्रवर्ती में कोई अंतर नहीं होता, और दूसरे साल बोलो कितना हो जाएगा, 366.30 यही होगा। अब आप बताओ यहां से यहां में कितने रुपए आपने अतिरिक्त दिए, 36.30 कितने पर, 330 पर, परसेंट दर लानी है तो गुणा 100, पॉइंट हटाए तो 2 जीरो आ गए, 3 जीरो से 3 जीरो, 33 का भाग दे दीजिए, 11% आपका उत्तर होगा जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में
100% की वृद्धि होती है, समान दर पर 8,000 रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब एक बात को समझिएगा, यह 100% की वृद्धि होती है एक राशि में, इसका मतलब 100 रुपए की राशि कितने रुपए हो जाती है, 200 रुपए, तभी तो 100% की वृद्धि हुई 8 वर्षों में। तो पहले तो मुझे ये बताइए, दर पता कर सकते हैं, दर होता है ब्याज कितना बढ़ा, 100 ही बढ़ा, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय कितना, 8 साल में, 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 12.5। अब वो कह रहे हैं 8,000 रुपए पर इसी 12.5 की दर, 12.5 1/8 होता है, अब मैं 8 से 1 बढ़ाकर 9 रख सकता हूं, 8 से कितना 1,000 बार, और 8 से बोलो 8 दुनी 16, 5 बार 125 इंटू 81। अब आप ही बताइए गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना बन जाएगा 125 इंटू 81 में, ये बन जाएगा अपना 10,125। तो सीआई क्या बढ़ेगा, 8,000 से 10,000 हो गया तो 2,125 रुपए, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। वापस ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं 8 वर्षों में कोई राशि में 100% का इंक्रीमेंट होता है, तो 100 रुपए अगर उधार देते तो कितने हो गए 200, तो ब्याज कितना बढ़ा 100 इंटू 100, देखो दर लाने का तरीका होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, तो अपनी दर आई 12.5, और 12.5 को हम फ्रैक्शन में 1/8 बोलते हैं। अब आप चाहो तो 100 से 112.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमें याद है 12.5 का मान, तो 8 पर 1 का ब्याज 9, 8 पर 1 का ब्याज 9, तो 10 125, तो ब्याज कितना बढ़ा 21 25। 2 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर साधारण और चक्रवर्ती ब्याज ये है, कम से कम दर बताइए, तो ये ऐसा ही है 8,400, 2 साल का है तो 4,200 बराबर बांटना है, और चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा फर्स्ट ईयर तो 4,200 लिखना ही लिखना है। मैंने पहले ही बोला था, अभी भी वापस बोल रहा हूं, पहले वर्ष साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता, इसका मतलब दूसरे साल आपने कितने रुपए दिए, टोटल 8,5,52 था, 6 में से 2, 4, 4,452, यहां से यहां में कितने रुपए दिए 252, 4,200 पर गुणा 100, 6 का भाग दिया, 6 चौक 24, 1 6 दुनी 12, और 6 से 7, और 7 से 42 बोलो 6% उत्तर होगा, और 6% आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12.5% से 2 वर्ष के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, समान राशि पर समान अवधि का चक्रवर्ती ब्याज 510 है। तो देखो 8.5-12% का मान बताओ पहले, तो आप सबको 1/8 होता है, 8 पर 1 का ब्याज 9, 8 पर 1 का ब्याज 9, तो ये हो गया 64, ये हो गया 81, कितना हो गया 11 में से 4 गए 7, और 7 में से 6 गए 17/64, 17 का ब्याज 64 पर, हम तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे 510 है, तो 1% का मान बोलो 510/17 × 64, 30। अच्छा हम अपने हिसाब से ब्याज कितना बन रहा है यहां से 17%, 17% 510 का है, 1% बोलो भी 30 का, और आप बताओ साधारण ब्याज होता तो सीधा 8 और 8 लग जाता, तो हो जाता 16, 16% का मान हमें लाना है, 16 × 30 कर लोगे आ जाएगा 480, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। पांच परसेंट की दर पर एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज साधारण ब्याज इतना है, देखो बात को समझो आराम से, 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, 1 मिनट, 5,250 रुपए है। समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, अब देखो आराम से समझो, 5% से 3 साल का साधारण ब्याज कितना बनता बोलो 15, 15% किसके बराबर है बताइए सब बच्चे, 5,250, तो 1% का मान बोलो 15 × 45, 5 × 7, 1% पड़ा 350 का। अब बोला इसी दर से चक्रवृद्धि, पहले साल 5, दूसरे साल 5,
5% से 5% का मान कितना होता है बोलो, 20, 1/20 होता है 5%, 20 पर 1 का ब्याज 21, 20 पर 1 का ब्याज 21, 20 पर 1 का ब्याज 21, तो ये 8,000 हो गया और ये 9,261, तो 1,261 बना। अब यहां से देखिए, पहले साल 5, दूसरे साल 5 का 5% 0.25 और तीसरे साल 5.25 का 5%, 25 10 2 12 25 1 26, तो ये जोड़ना पड़ेगा हमें। नहीं तो एक काम कर लीजिए, 350 का है तो 100% कितने का पड़ा बोलो, 350 × 100 कर लेंगे, आ गया 35,000, ये आ गया अपना मूलधन। अब इसी अवधि के लिए 35,000 का 105 बटा 100 105 बटा 100 और 105 बटा 100, बताओ मैंने तीन बार गुणा क्यों किया, 3 साल का समय था, दर कितनी है 5, तो पहले हमने मूलधन पता कर लिया, इसी मूलधन पर इसी अवधि के लिए इसी दर से चक्रवर्ती ब्याज लेकर आ जाएंगे, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा अपना सीआई जब पता करोगे यहाँ पर, या जो भी राशि आएगी 35 में से घटाओगे 5,516.88 जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। यहाँ गुणा करेंगे ना तो आपके वैल्यू बढ़ेगी लगभग 40,500, उसमें लिख देता हूँ 40,516.88, तो उसमें से क्या करेंगे 35 घटा लेंगे तो आएगा 5,516.88। 15% से 75,000 रुपए का ऋण लिया, 15% से 75,000 रुपए का ऋण लिया, अपनी धनराशि को ठीक उसी दिन मित्र को उसी ब्याज की दर पर लेकिन चक्रवृद्धि से उधार दे दिया, खुद ने तो साधारण ब्याज पर लिया, आगे चक्रवृद्धि 2 साल बाद कितना लाभ होगा, तो एक तरह से 15% की दर से 2 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर लाना, अंतर होता है मूलधन इनटू दर बटा 100, दर बटा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब ये गुणा कर लीजिए, जैसे ही आप ये गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा देखो, 16,875/10, तो 1,687.5, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 2 साल के लिए अंतर के लिए ट्रिक याद है ना, और 3 साल होता तो क्या करते बोलो, 300 + 15/100 कर देते। ओके, अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 उधार ली, उसने ये राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से समान उधार दे दिया, तो कितना नफा या नुकसान, वो भी सेम क्वेश्चन अंतर का है कि साधारण ब्याज वाले को चक्रवृद्धि पर दे तो अंतर, तो मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100, 25 से बोलो 9 बार, 25 से बोलो 4 बार, 2 से 3 2 से 2 2 से 3, 3 × 9 9 × 9 81 रुपए का क्या होगा, उसको लाभ होगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा कितने रुपए का, 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 रुपए 1 वर्ष के लिए एक ऐसी योजना जिसमें 10% की दर से साधारण ब्याज मिलता है, और 100 को एक ऐसी योजना जिसमें 10% से वार्षिक ब्याज मिलता है लेकिन अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है, दूसरी योजना के तहत पहली योजना से कितने रुपए अधिक मिलेंगे, 100 रुपए 10% से 1 साल का ब्याज, कितने साल के लिए, 1 साल ही है ना अभी, 1 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना बना बोलो, 10 रुपए। अब वो कह रहा है इसी को 6 माही दर पर उधार दिया तो ब्याज 2 बार, और दर 10 की जगह आपको ही पता है 5 आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा बताओ, 100 × 105/100 105/100, ठीक है, 0 कैंसिल, ये 5 से 21 बार, 5 से बोलो 20, 5 से 21 बार, 5 से बोलो 4, 441/4, 4 × 4 × 4 = 0.110.25, तो यहां से ब्याज कितना बढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25। अब आप ही बताओ 10 रुपए में और 10.25 में अंतर कितने पैसे का पड़ा, 25 पैसे का अंतर पड़ेगा, कितने का पड़ेगा, 25 पैसे का। ओके, आप चाहो तो ये नहीं करना चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 और 5 का 5% 0.25, तो हो गया 10.25, तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा इन दोनों के बीच अंतर।
जो अपन लाते हैं ना ब्याज पर ब्याज लगाकर, तो 10 रुपए और 10.25 में अंतर 0.25, ये नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, और वो आपको याद रहता तो इजीली कर सकते हैं। 1.5 साल के लिए 8% से साधारण ब्याज 360 है, समान राशि पर समान ब्याज की दर हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं मूलधन लाऊंगा, और मूलधन लाने का तरीका है ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 15 दुना 30, 15 चौक 60 और 8 से 24 3, तो ये आ गया 3000 रुपए। अब इसी दर से 108/100, लेकिन समय दुगुना कर दो तो 1.5 का दुगुना अब 3 हो गया 108/100। मैंने 3 बार गुना क्यों किया पता चला, समय तो 1.5 साल था लेकिन समान दर से, तो दर वही 8 रखी हमने, ये हो गया कितना। अब यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो अपना रिजल्ट कितना बन जाएगा देखो, 3779.13। तो सीआई कितना बनेगा, 779.13 बन जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। आठ परसेंट से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16000 है, तो इसी दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम मूलधन तो लेकर आए, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय, 8 × 16 और यहां लिख देता हूं 16000 × 100 बटे में 8 × 8, 8 से 2000, 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 2 से 1000 बार, 25 × 1000 हो गया 25000। अब वो कह रहा इसी रुपए पर समान 2 वर्ष के लिए, इस बार 2 वर्ष के लिए 1/4 दर पर। तो अब आपको थोड़ा समझना होगा कि दर 1/4 है, 8/4 करोगे तो दर 2%, 102/100, 2 साल ही अपने पास, इसीलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब ये गुणा कर लेंगे 102 × 102 वाला, तो कितना बढ़ जाएगा अपने लिए, ये बढ़ जाएगा 26010 रुपए। अब तो 25 से 26010 हो गए, तो ब्याज कितना बढ़ा, 1010 रुपए, 1010 आपका राइट आंसर बन जाएगा। पर वापस कह रहा हूं, पहले हमें मूलधन की गणना करनी ही पड़ेगी, तभी तो हम आगे की बात कर सकते हैं। निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1200 है, उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 1290 मिलता है, तो मूलधन बताओ। देखो ये ऐसा ही है, इधर 1200, 2 साल का 1200 है, तो 1 साल का 600 600, फर्स्ट ईयर भी 600, सेकंड ईयर भी 600, लेकिन सीआई फर्स्ट ईयर तो 600 है, सेकंड ईयर 690 हो जाएगा, बताओ क्यों? अरे भैया पहले साल तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा दिए, तो दर लानी पड़ेगी, 90 रुपए एक्स्ट्रा दिए 600 पर 1200, तो अपनी दर जो आ जाएगी वो आएगी 15%, समझ रहे हो? अब कहोगे सर दर की कहां जरूरत है, अगर दर पता है, ब्याज पहले से पता है, समय हमें पता है, तो मूलधन ला सकते हैं। और मूलधन लाने का तरीका होता है, ब्याज 1 साल का 600 बढ़ रहा है, साधारण ब्याज ऐसे ही करते थे, ब्याज इंटू 100 बटे में दर 15 × समय 1 साल। कोई कह सर क्या 1200 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, पर याद रखना ये साधारण से ही गणना करना, ये मत रख देना चक्रवृद्धि का, 1200 रखो तो समय 2 साल रख देना, 40 × 100 कर लेंगे तो रिजल्ट हो गया 4000, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 2 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है, इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? वो एक तरह से ये कह रहे हैं साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है, तो मूलधन लेकर आता है, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय, 2 से 5 बार, 2000 × 5, तो मूलधन आ गया 10000। अब इसी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? अब यहां से देखो, अब इसको तो डायरेक्ट ही सॉल्व करना था, वैसे
10,000 के ऊपर। तो 10,000 इंटू 110 बटा 100 तो कितना हो जाएगा, 4 0 से 4 0 121 00, तो ब्याज कितना होना, 2100। ठीक है, अब दर लानी है, दर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ब्याज इंटू 100 बटे में इसी मूलधन पर और समय है 2 साल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 21 बटा 2 10.5 हो जाएगी। 10.5 आपके बी ऑप्शन पर मौजूद है। क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों में 10% की दर से 2,000 का साधारण ब्याज मिलता है, इसी राशि पर वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर बताओ। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज कितना मिला, 2,000। तो पहले मैं मूलधन लेकर आता हूं, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, 2 से 1,000 बार, और 1,000 इंटू 10 बोलो 10,000। अब मुझे बताओ मूलधन पता है तो मैंने ये भी बताया था दोनों का अंतर आप कैसे ला सकते हो। अंतर लाने का तरीका होता है मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100, तो 4 से तो 4 0 कट गए, तो रिजल्ट आ गया 100 रुपए का अंतर, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की बढ़ोतरी हुई, 6,000 पर 3 वर्षों में उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 40% बढ़ोतरी का मतलब 100 रुपए से 140 हो गए, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और 40 का ब्याज लगा। तो पहले ये बताइए दर कैसे लाओगे, दर होगा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, कितने साल है, 4 साल, तो दर यहां से आ गई 10%। अब वो कह रहे 6,000 पर इसी दर से 110 बटा 100, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे बताओ मैंने 3 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि देखो समय 3 साल है, रुपए 6,000, आपको भी सर 10 कैसे आया, दर का तरीका होता है 40% बढ़ोतरी का मतलब समझे 100 रुपए की राशि 140 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये 6 0 कैंसिल हो जाएंगे, और देखो 3 से 3 कैंसिल, बाकी 3 से 3, तो 1331 इंटू 6 18 1 19 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 1986 रुपए सीआई होना है। आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 8% है और 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही के लिए उधार दिया, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की दर की गणना करो। अब देखो इस बात को समझो, 8% की दर है, ठीक है, 6 माही दर के लिए उधार दिए जाते हैं, इसके बाद अब बात को समझिएगा, तो दर कितनी हो जाएगी, दर आपको पता 6 माही आती है, 8 का आधा बोलो 4%, और पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज के समतुल्य, पहले वर्ष यानी ब्याज साल में कितनी बार चला जाएगा बोलो, 2 बार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, तो 10,000 इंटू 104 बटा 100, 104 बटा 100, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, 104 इंटू 104 करते हैं तो कितना बढ़ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 10,800, गुणा करके भी चेक कर सकते हो ऐसे, 104 4 4 16 4 4 0 1, बिल्कुल 10 816 बनेगा, तो सीआई कितना बन चुका है 816। तो अब हमें क्या बोला है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी, 816 का ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन बोलो 10,000 इंटू समय बोलो प्रतिवर्ष है ना, 0 से 0 कैंसिल, तो जाएगी 8.16%, 8.16% आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। 3 वर्ष के लिए 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% से साधारण ब्याज ये है, तो आप मुझे बताइए
3×7% अपने हिसाब से साधारण ब्याज तो 21 होता है। 21% हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 18900 है, तो अपना 1% कितने का पड़ा बोलो, 900 का, और अपने 100% 900×100 हो गए 90,000, और ये 90,000 क्या आ चुका है, मूलधन आ चुका है। अब वो कह रहे इसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 7% से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 90,000 × 107/100 चार जीरो तो कैंसिल हो ही रहे, बाकी इनका गुणा हमें करना पड़ेगा, और इसका गुणा हो जाएगा अपने पास 53.87 कुछ बनेगा, तो ये हो जाएगा 20,253.87। उसको लगभग हमें अप्रोक्स में 20,254 मानना पड़ेगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। इनके अंदर जो अधिकतर क्वेश्चन हमारे सामने होंगे वो होंगे साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर से संबंधित। तो एक चीज छोटी सी पहले ध्यान रखना, इसको समझने से पहले हमेशा इसी चीज को समझ लीजिए, जब आपको अंतर दिया होगा तो आपसे मूलधन पूछा जाएगा, या फिर जब आपको मूलधन दिया होगा तब आपसे अंतर पूछा जाएगा। और किसका अंतर पूछा जाएगा बताइए, सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाएगा। वापस कह रहा हूं, किसका अंतर पूछा जाएगा, सीआई और एसआई का। वापस समझिएगा, अंतर दिया होगा तो मूलधन पूछेंगे, और मूलधन दिया होगा तो अंतर। मैंने सीआई को पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होता है, अगर बात 1 वर्ष से अधिक की हो। पहले वर्ष साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता। अब एक बात को समझिए, एक छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको याद रहती है, अंतर बराबर होता है मूलधन इनटू दर बटा सौ दर बटा सौ। ये छोटा सा फॉर्मूला है जो बच्चे याद कर सकते हैं, ताकि क्या उत्तर डायरेक्ट बन जाए। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उससे भी आप हल कर सकते हैं। और अगर 3 साल हो तो ये मूलधन है दर बटा सौ दर बटा सौ, 3 साल हो तब 300+ दर बटा 100। क्लियर इट? ये है 2 वर्ष हो तो, और ये है 3 वर्ष हो तो। ये दो फॉर्मूले सिर्फ 2 और 3 के लिए याद रखने हैं ना, क्योंकि आपके एग्जाम में अधिकतर जो चांस बनता है वो 2 और 3 का बनेगा। अभी क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है? याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। मूलधन इंटू दर बटा सौ दर बटा सौ, 3 साल होगी तो यहां पर 300+ दर बटा 100। जैसे 5% है तो 40,000 × 5/100 305/100। ओके, लेकिन अब दूसरा तरीका भी, 3 से अधिक हो 4 हो 5 हो, उसके लिए एक ही याद रखो। मान लो मैं कह रहा हूं 10% की दर है, और 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बताओ। इधर देखो ये SI है, इधर देखो ये CI है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहले साल 10 है तो अगले साल भी 10, अगले साल भी 10, 30। ऐसा क्यों बताओ? अरे भैया, साधारण ब्याज बिल्कुल समान रूप से चलता है, जबकि चक्रवृद्धि में देखो 10 का 10% 1 तो 11, 11 का 10% 1.1 तो 12.1। अब यहां से बताओ कितना बना, 33.1। मुझे बताओ पहले साल कोई अंतर है? नहीं, 0। दूसरे साल में बोलो अंतर 1 का, और तीसरे साल में जोड़ लीजिए इनको 30 और इनके बीच अंतर बोलो 3.1%। तो इस तरह से आपको बात समझनी। 4 साल होता तो भैया यहां तो 40 हो जाते, और यहां 12.1 का भी 10% हम लेकर आ जाते। अब क्या होगा, देखो रुपए दिए होंगे ना तो आपसे अंतर पूछेंगे, तो सीधा 3.1% पता कर लो। और जब अंतर दिया होगा कि अंतर 93 है, तो 3.1% को उस 93 के बराबर रख दो, 1% पड़ जाएगा आपका 30 का, और 100% का मान हो जाएगा 3,000। तो वापस देख लो, रुपए दिए होंगे तो अंतर पूछा जाएगा, और अंतर दिया होगा तो रुपए पूछे जाएंगे। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो ये क्या हुआ पता है, 10 का 10% 1 होता है 11, 11 का 10% 1.1 वो ही। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात ज्यादा समझ में आएगी। 12.5% से 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर ये, तो राशि बताओ। तो मूलधन के लिए उसका जस्ट उल्टा करना, मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/10 100/10।
मैंने क्या बताया था, दर बटा सौ, लेकिन जब अंतर दिया हो और मूलधन पूछ ले तो रिवर्स कर दो। तो 45 × 100/125, 100/125 पॉइंट हटाया जीरो, पॉइंट हटाया जीरो। 25 × 40 = 5 बार, 40 × 5 = 5 बार, 5 × 45 = 9 बार, 5 × 8 = 8 बार। तो 8 × 32 × 9 2728 अपना उत्तर बन जाएगा, जो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, इससे सिंपल कोई भी तरीका नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। और नहीं तो एक और चीज सुनो कि सर इसको बेसिक से करना चाहे तो क्या तरीका होगा, फिर बेसिक से तो यही है, 12.5 तो हो गया 25, ये तो ऐसा ही हो गया साधारण ज्ञान। चक्रवर्ती में 12.5 का 12.5% 1.5625 इनको जोड़ेंगे तो 26.5625। अब इनके बीच अंतर कितने का, 1.5625 का, और इसको किसके बराबर रखो, 45। तो वो थोड़ी गणना को बहुत बड़ा देगा, है ना, छोटे से क्वेश्चन के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं। अब देखो, निश्चित राशि पर 4 वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है, समान राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो तो पहले हम मूलधन लेकर आते हैं, मूलधन होता है ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय। तो देखिए 4 × 25 कैंसिल, 2 × 70 0 × 7 = 35, 3 × 14 = 17, 1750 रुपए। अब बताओ मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, हमें क्या लाना है, अंतर। और मैंने ट्रिक बता रखी है, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर होता है मूलधन इंटू सिर्फ दर कितनी, 4/100, 4/100। 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है, 25 के पाड़े में 7 बार, 25 के पाड़े में 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, तो 28/10 हो गया, 28/10 होता 2.8, और 2.8 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है, 2.8 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15,000 का 8% से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर। तो अब मैं डायरेक्ट रख सकता हूं 15,000 × 8/100, 8/100, 3 0 से 0, 15 के पाड़े में 3 बार, 2 बार 2 से 4 बार, 32 × 3 = 96। अब बताओ इससे सरल क्या होगा, एक एक लाइन में आप लोगों का आंसर बन, मात्र एक लाइन में। और नहीं तो सोचे जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो पहले साधारण ब्याज निकालेगा, फिर चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र दर निकालेगा, फिर चक्रवर्ती ब्याज पता करेगा और फिर अंतर देखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना है बात। 10% से 3 साल के साधारण और चक्रवर्ती का अंतर 620 है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/10, 100/10, 100/300 प्लस दर। रिवर्स क्वेश्चन है ना, तो आप वैल्यू भी रिवर्स कर दो, अंतर 620 है, 100/10, 100/10, 100/310। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से 0, 31 × 2 = 20,000, तो आ गया 20,000 रुपए, और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, आगे देखिए। 1,000 का 10% से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण और चक्रवृद्धि। अब देखो, अब आ गया ना 4 साल का, सर अगर 4 साल का आ गया तो क्या करेंगे, 2 और 3 तो हमारे दिमाग में ओके एकदम। तो 4 साल के लिए मैंने तरीका बताया था, पहले साल 10 का 10% 1 तो 11, तीसरे साल 11 का 10% 1.1 तो 12.1, और चौथे साल 12.1 का भी 10% 1.2 है तो 13.31। अब सबको जोड़ लो, 5 × 6 = 46.41, तो 1,000 रुपए × 46.41/100, पॉइंट हटाए तो 2 0 आ गए, ये 10,000 ही है ना वैल्यू, एक बार कंफर्म करते हैं ना, एक मिनट बस। ठीक है,
अच्छा साधारण और चक्रवर्ती का अंतर है अपने पास। तो यहां से अपना चक्रवर्ती ब्याज तो दिख रहा है, चक्रवर्ती ब्याज तो कितना बढ़ जाएगा, 3 जीरो तो कट ही गए, 464.1 बढ़ गया। अब साधारण ब्याज क्या बनेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये तो बन गया 400। अब आप ही बता दीजिए इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 64.1 का, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, आराम से पहले देखो, मैंने चक्रवर्ती ब्याज दिया और फिर मैंने साधारण, ये अपना साधारण ब्याज है और ये अपना चक्रवर्ती ब्याज, अंतर कितने का 64.1। 8% से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवर्ती का अंतर ये है, तो मूलधन बताओ, तो मूलधन बराबर होता है अंतर इंटू 100 बटा दर, 100 बटा दर 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 2 से 50, तो 1250 जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% से 2 वर्ष की अर्धवार्षिक गणना करने पर साधारण और चक्रवर्ती का अंतर 124 पॉइंट है, तो राशि बताओ। तो अर्धवार्षिक होती है, आप खुद बताइए कि दर कितनी हो जाएगी, 10/2 यानी 5%, और समय कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक 2 साल में 6-6 महीनों के 4 जोड़े बनेंगे, तो इनके बीच अंतर हमें दे रखा है, तो अब थोड़ा समझना पड़ेगा। 10% की दर है ना 4 साल के लिए, 10, 10, 10 और 10, ये तो हो गई 40। सीआई में देखो 10, 11, 11 का 10% जोड़े 1.1, तो 12.1, इसका 10% जोड़ेंगे तो अभी लिखा था 13.31 था, कितना था चौथे वाले, चौथे साल का 13.31, तो 13.31 46.41। अब ये बताओ अपने हिसाब से अंतर कितने का, 6.41 का, हम कह रहे हैं 6.41 का डिफरेंस है, क्वेश्चन तो कह रहा है 124.05 का, तो 1% का मान 124.05 बटा 6.41, दोनों पॉइंट हट जाएंगे, इसका भाग देना पड़ेगा, 2 से 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, एक बार जाएगा भाग, इसमें वैल्यू कितनी बार कट सकती है, देखो 8 बार है, कितनी बार घटेगी 6.41 से, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको, डिवाइड 641 है ना, थोड़ी सी मुझे कुछ इसमें एरर लग रही है, देख ले 12.1 का 10%, 1.21, 13.31, ठीक है, दर 5%, 2 अर्धवार्षिक गणना करने पर इनके बीच का अंतर, अच्छा 1 मिनट, सॉरी हमने यहां 10 ही रख दिया जबकि होना 5 चाहिए था, क्योंकि गणना तो इस आधार पर होगी ना, हमने 5 उसके आधार पर कर दी। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं सिंपल, देखो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए 4 साल की, पहले तो ये देख लो दर 10 काम में नहीं आएगी, 10 का आधा बोलो 5% और समय 2 साल है और 2 साल में 6-6 महीनों के 4 जोड़े बन, तो सबसे पहले तो मैं इसका साधारण ब्याज लेकर आ जाता हूं, साधारण ब्याज अपने पास मूलधन है नहीं, अंतर की बात चल रही है, तो ये अपना ऐसा ही है 5, 5, 5 और 5, कितना हो जाएगा अभी 20, ये अपना सी आई 5.25, ऐसे ऐड करना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा फिर नहीं तो फिर दूसरे टेक्निक में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, 5.25 का 5%, 0.2625, 5.25 प्लस 2625, इसको जोड़ेंगे तो 25, 11, 4, 1, 5, 5.25 का भी 5%, ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा ना इस हिसाब से, तो फिर दूसरा तरीका अपन एक कर सकते हैं, दर तो होगी 5%, फ्रैक्शन फॉर्मेट से कर लो, 20 से 21, 20 से 21,
और 20 से 21 इस फॉर्मेट से समझो कितना बन जाएगा, 8000 से 9261 ये बनेगा। मूलधन इंटू 21/20 की पावर कितनी बन जाएगी, 4। इसमें से मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 घटा लेंगे, ठीक है, और दर और समय दे ही रखा हमें, 5 इंटू यहाँ कितने बन जाए, अर्धवार्षिक होगी तब, 4 है ही अपने पास, तो पी इंटू 21 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 19481 और बटे में बढ़ जाएगा 16000, 1,60,000 माइनस 20p/100। इसको हल कर सकते हैं, देखो कितनी बार हल हो जाएगा, तो यहां से यहां में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 1 माइनस है ना, और इनके बीच का जो अंतर है वो 124.05 है, एलसीएम मान से ये 16,000 है ना, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2481/1600 बराबर 124.05। ओके, पॉइंट हटा लीजिए इसमें, 124.05। पी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पी की वैल्यू का मान बन जाएगा, ये वैल्यू से 5 बार कटेगी, बारह 405 इनको 1600 बटे में है 2481, ये से 5 बार ट्राई कर लो, 5, 8, 45, 4, 20 और 4, 24, 2, बिल्कुल ये वैल्यू से 5 बार कटेगी, और 1600 इनको 5 करेंगे तो आएगा 8000, जो सी ऑप्शन। ये थोड़ा ज्यादा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन कर सकते हो। इधर देखो 4 साल थी तो घात 4 लगी, या 4 साल 5 की दर से 20p/100, इसको हल करेंगे तो अपना रिजल्ट मिल जाएगा। 8% से 8 महीने और 6% से 14 महीनों के साधारण ब्याज का अंतर, 8% से 8 महीने तो 8/12 और 6% से 14 महीने 14/12, इनके बीच का अंतर हमें दिया हुआ है, कितना पड़ जाएगा पहले वो देख लो, 4 से देखो 2 बार, 4 से 3 बार 16/3, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार तो हो गया 7, ठीक है। अब ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसको आगे रख दो, 7 माइनस 16/3 तो 7 या 21 में से 16 गए, 5/3% का अंतर, हम तो कह रहे 5/3 का अंतर है और वो कह रहे 200 का, 1% 200/5/3, 5 से 40 बार तो ये हो गया 120, और 100% का 120 × 100 हो गया 12,000, ए इज द राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4% से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 8 है तो राशि यानी मूलधन लाना है, तो मूलधन हो जाएगा 8 × 100/4, 100/4, 4 से 8 बोलो 2 बार, 4 से ये बोलो 25 बार, 50 × 100 कर लेंगे, मूलधन आ जाएगा 5। अब ये इससे सरल तो कुछ लगना भी नहीं चाहिए आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3 वर्ष के लिए 5% से साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर ये है तो मूलधन लाओ, तो मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/5, 100/5, 100/305, ये पॉइंट हटा लीजिए, 2 0 आ गए तो ये तो कैंसिल हुई है। 61 से देखो कितनी बार, 61 से सबसे पहले 2 बार, 122 पीछे कितने बचे, 61 से देखो 8 बार, और कितनी बार कैंसिल हो सकता है, 0 कैंसिल हो, इसको 1448 है ही। अब देखो 25 से 100 कितनी बार हो रहा है, 4 बार, ये 4 से 5 से 20 बार, और ये 5 से
61 बार। अब इसका कैलकुलेशन करना है सिर्फ 1448 × 80/61। और जैसे इसकी गणना कंप्लीट करोगे आप लोगों का रिजल्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1899। ये आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ बनेगा ध्यान रखना, 1899.01 बनेगा ना, तो लगभग फिर वो 1899 हो गया, इसलिए पॉइंटों में जाएगी फिर भी। 2 साल के लिए 5% से 400 रुपए का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। मूलधन इंटू दर बटा सो, दर बटा सो, यही होता अंतर लाने का तरीका, ऐसे ही सी का 0 से 0 कैंसिल, 4 से बोलो 25 बटा 25 हो गया, तो आ गया 1 रुपए का अंतर, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 2000 का 2 वर्षों के लिए 10% से अंतर होगा, 2000 × 10/100 2 0 से 2 0 बाकी 2 0 से 0, 20 रुपए का अंतर होगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद। सीधा एक जो फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा था ना, वही हम लोग उसको रख रहे हैं। तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा सो, दर बटा सो, सिर्फ दर रखनी होती, बस इस चीज का हमें यहां ध्यान रखना है। 5% से 2 साल साधारण चक्रवर्ती अंतर 2 है, तो मूलधन होता, तो मूलधन बराबर होता है अंतर इंटू 100 बटा दर 100 बटा दर, 5 से 20 बार 5 से 20 बार, तो ये हो गया 800 रुपए। सी इज द राइट आंसर। 3 वर्षों के लिए 5% से 8000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण का अंतर होता, 8000 × 5/100 5/100 305/100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से 2 बार 4 से 25 बार, 25 से देख लो 25 से कम 25 से फिर, 5 से 61 बार 5 से बोलो 5, और ये कैंसिल हो ही रहा है तो आ जाएगा, और वैल्यू कैंसिल हो रही है, 2 से ये 5, ये कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर बनेगा 61 रुपए, जो आपके ई ऑप्शन में। दर बटा सो और 3 साल था ना, इसीलिए 300 + 5/100, 20,000 का 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 800 है, तो दर पता करके बताओ। चलो मूलधन है, अंतर का क्या तरीका, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा सो, यही होता है अंतर 800 है, और मूलधन बोलो 20,000 × इस बार r/100 तो 4 0 तो कट हो ही रहे, ये 2 का भाग इसमें जा रहा है, 800 है ना, 2 का भाग इसमें चला गया 400 का, 400 बराबर r × r² हटा तो रूट लगा, तो r का मान आ गया 420 का रूट होता है। डी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 2 वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य वार्षिक अंतर 180 है, तो राशि बताओ। तो मूलधन बराबर अंतर इंटू 100 बटा 15 100 बटा 15, 2 साल ही था, 15 × 15 = 3 / 12 3 से 4 बार 3 से 5 बार 5 से 20 बार, तो 4 × 8000। सी इज द राइट आंसर। अब वही क्वेश्चंस घूम फिर के वापस, बस वैल्यू का चेंजेज आ रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। 8510% से अंतर बताओ, तो 8500 इंटू
अब खुद देखो भाई, एक चीज बताओ मुझे छोटी सी, कम से कम 10-15 क्वेश्चन पढ़े और 10-15 में से लगभग 13 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो सिर्फ 2 और 3 साल पर चल रहे, 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आए जहां हमें 4 साल की भी जरूरत पड़ी, लेकिन बताइए 2 और 3 वाला जो फॉर्मूला अपना कितना सारा समय बचा, 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल, बताओ 85, एक लाइन में उत्तर आ रहा है। मतलब जितनी देर में एक दूसरा बच्चा साधारण ब्याज पता करेगा ना, उतनी देर में आप क्वेश्चन का आंसर पता कर लोगे, उसको तो फिर चक्रवर्ती ब्याज भी लाना पड़ेगा, मिश्र धन भी लाना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 वर्ष से 5% की दर से अंतर, अगर 15 अंतर आती रिवर्स करता है पता सबको, 15 × वहां दर बटा 100 का ना, वो 100 बटा दर हो जाता है, 100 बटा 5, 5 से 20 5 से 20 60, यानी 6000, ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ₹5000 पर 2 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 25 है, दोनों की ब्याज दर के बीच अंतर बताओ। तो इधर ध्यान दीजिएगा, अंतर 25 है, मूलधन है 5000 × दर बटा 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से 10 बोलो कितनी बार, 2 बार, 25 × 50 हो गया, 1 मिनट, चलिए एक मिनट वैल्यू कंफर्म कर लेते, सही है ना इसमें, देखिए दर बटा 3 0 कैंसिल, 5 से 10 2, 50 है, दोनों के बीच अंतर, या तो फिर इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग, अच्छा ये दोनों ही साधारण ब्याज है ना, 2 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर 25 है, तो दरों का अंतर, तो दर का सीधा सरल तरीका है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू सम, मैंने सोचा साधारण और चक्रवृद्धि, ये दोनों ही साधारण ब्याज, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों में अंतर, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वही दरों का अंतर होगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 50 से 25 से 2 बार, 1/4 आता और 1/4 होता, 0.25, थोड़ा पढ़ने में एरर रह गई थी, मैंने सोचा साधारण और चक्रवर्ती है, जबकि दोनों ही साधारण ब्याजों के बीच का अंतर है, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वहीं से आपके दरों का अंतर का वैल्यू बनेगी, ब्याज का अंतर 25 है तो वहीं से दरों का अंतर आएगा 0.25%। 3 वर्षों के लिए 15 वर्ष किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण का अंतर यह है, तो मूलधन लाओ, तो मूलधन बराबर हो जाता है अंतर इंटू 100 बटा 15, 100 बटा 315। इसको हल करना सिर्फ, और जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 4000, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है, और 3 साल के लिए बता रखा है 300 प्लस दर, और जब मूलधन पूछे तो 100 ऊपर आ जाता है, और जब अंतर पूछे तो दर ऊपर होती, दर बटा 100। 4000 का 20% से साधारण चक्रवृद्धि का अंतर, 2 साल ही है ना, तो 20 बटा 100, 20 बटा 100, 2 0 से 2 0, 0 से 2, 4 4 16 160 रुपए, इज द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, 5000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के मूल्यों में अंतर, 5000 × 5/100, 5/100, 3 0 कैंसिल हो गए, 125/10, 12/10, ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है।
10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% से साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर, तो 10,000 × 5/100 ये 4 0 तो कट ही रहे, तो अंतर कितने का हो गया 25 का। अब इससे सरल क्या क्वेश्चन होंगे बताइए। एम ने कुछ धनराशि एक निश्चित ब्याज साधारण ब्याज पर उधार ली, लेकिन ब्याज की दर 2% की वृद्धि कर दी जाती तो साधारण ब्याज का अंतर 120 हो जाता। तो एक साल के लिए उधार दी और ब्याज की दर 2% बढ़ा देते तो अंतर कितने का पड़ता बोलो, 2 का। 2% अगर 120 के आते हैं तो 1%, ये तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। 60 का और 100 कितने के हो जाएंगे, 60 × 100 तो हो गए 6,000। और अगर 2 साल होते तो फिर मैं 2% का गुणा 2 से करता, 3 होते तो 3 से करते। ओके चलिए, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वाले टाइप का। 23,465 दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से अंतर ज्ञात कीजिए। 23,465 अंतर का क्या तरीका होता है, मूलधन × दर बटा 100, दर बटा 100 यही होता है। पॉइंट हटा लीजिए 0, पॉइंट हटा लीजिए 0। अब इसको हल करना है, जैसे इसको हल करेंगे अपना रिजल्ट बन जाएगा 131.99 और वो हो जाएगा लगभग 131, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। देखिएगा, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर राशि उधार दी गई 2 वर्ष में 1460 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है, तो दर बताओ। तो यहां से यहां में अंतर बोलो 1 का, और यहां आपको सोच के देखिए कितने रुपए अतिरिक्त दिए। 1606 में से 1460 घटा लीजिए, 10 में से 6 गए 4, 146 रुपए, 146 रुपए अधिक दिए आपने 1460 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 और कैंसिल होकर आप ही बताइए दर हो गई 10%। सी इज द राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देखिए। 6,250 रुपए जमा करती है 2 साल की अवधि के लिए, 7,840 हो जाते दर बताओ। ये मिश्रधन बटा मूलधन वाला टाइप जो पढ़ चुके हम लोग, 7,840 × 6,250। अब आप बताओ ये किसका होता है, 25 का, और ये किसका होता है, 28 का होता है, 28 से 25। अब आप बताओ 25 से 28 हो गया 3 का ब्याज 25 के ऊपर गुणा 100। अब ये तो वर्ग और क्यूब वर्ग बनते हैं, तो वर्ग बनते हैं तो समय 2 साल। अब समय तो पहले ही दिया हुआ, तो समय तो हमें मिल चुका है, लेकिन लानी है दर। 25 से 28 हो रही है तो 3 का ब्याज 25 पर, तो आप ही बताइए अपनी दर कितनी हो जाएगी, 12%। ओके आगे बढ़ते हैं। 11.03 की सामान्य ब्याज की दर पर 100 रुपए निवेश की, 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के टीपू को कितना निवेश करना चाहिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हो। अब एक बात बताओ, 11.03 की सामान्य दर से 3 साल के लिए, 11.03 से 3 साल का ब्याज क्या बनेगा पहले तो ये देखो, 11.03 × 3/100 ठीक है। पॉइंट हटा लीजिए 2 जीरो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गए, 3 × 9 = 0/100 33.0। अब मुझे एक चीज बताओ, 100 रुपए उधार दिए थे 33.09 ब्याज बना, तो कितने रुपए हो गए, 133.09। फिर वो कह रहा है कि 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए चक्रवृद्धि 10% की दर ब्याज है, तो फिर कितना निवेश करना चाहिए। तो आप ये सोचिए 33.09 की राशि आ रही है और समान ब्याज हमें लाना है, तो वही 3 साल के लिए, तो आप देखिएगा 100 रुपए का निवेश उसको यहां पर करना पड़ सकता है। 100 का कैसे देखो, 100 का अगर आप पता करेंगे 10% से 110 बटा 100 2 से 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो 11³ 1331/10 133.1 ठीक है। ये 33.09 और ये 33.10, इसको लगभग हम यही बोल सकते हैं। अब आप बताओ ये और ये लगभग समान हुए कि नहीं, इसका मतलब उसको कितने रुपए की राशि निवेश करनी पड़ेगी, 100 रुपए की अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना आपको। 33.09 को 33.10 बोल सकते हैं। 11.3 से सामान्य 3 साल के लिए 300 रुपए निवेश किए ठीक है, तो आप वही देखिए 300 का निवेश किया
11.03 से 3 साल बटा 100 कर दो, तो 0 कैंसिल हो गए, 3 3 9, 11.03 का गुणा 9 से कर दो, 99.27 रुपए ब्याज बन रहा है। तो कुल राशि कितनी होगी, 300 प्लस 99.27, 399.27। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन रखे जिससे ये हो सकता है 10% से भाई को 3 साल बाद समान रिटर्न प्राप्त करना है, ये राशि लानी है तो कितने रुपए निवेश करने पड़ेंगे 10%। यो देखो 110/100, 399.27 एंड हो, यो समझ लो 100/110। अब कहोगे सर ये क्यों, क्योंकि यही राशि हमें वापस लानी है तो ये मिश्र दल लाना है एक तरह से, तो 100/110 इस प्रकार से। अब जब हम इसको हल करेंगे तो अपना जो रिजल्ट का मान बढ़ेगा वो भी अप्रोक्स आएगा, ध्यान रखना ये आएगा 299.97 जो लगभग 300 हो जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 5000 का 3 साल बाद उसे 1655 रुपए ज्यादा मिले तो पी का मान ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5000 का निवेश किया, 3 साल बाद उसे रुपए 1655 ज्यादा मिले तो पी का मान दर लानी है। तो 5000 से 1655 जोड़ो तो ये 6655, तो मिश्र धन बटा मूल धन। चलिए ये भाग जा रहा है 1000 से और ये देखो 5 एकम 5 1 बचा, 5 3 15 1 बचा, फिर 1331। ये होता है 11 का और ये 10 होता है, 11 और 10 का क्यूब हो गया। अरे भैया क्यूब हो गया तो 3 साल तो पहले ही है, हमें तो दर लानी है। 10 से राशि 11 हो रही है तो 1 का ब्याज 10/100, आप ही बताइए दर हो गई 10% जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दिया, 3 वर्ष बाद 670 रुपए अदा किए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 670/305 करो, 5 एकम 5 1 बचा, 5 3 15 2 बचे, 5 4 20, 5 6 5 30, 1 61 बार यही होगा 134, 670 रुपए अदा किए 3 साल के बाद, कुल रुपए 670 अदा किए, 5 एकम 5 फिर 1 बचा, 5 3 15 2 बचे, 5 4 20 और 5 से 61 और ये। अब ये वैल्यू किसी से कैंसिल होती दिख रही है, एक बार देखो दर मिल जाएगी यहां से, तीन साल की बात है ना यहाँ, इसको ऐसे हल कर दीजिए, मिश्र धन बराबर मूलधन इनटू जो भी दर रहेगी 1+10/100 की घात कितनी है बोलो, 3 लग जाएगी तो 670/305 1+10/100 की घात। जैसे ये आटेगा तो ये क्यूब रूट की फॉर्मेट लगेगी और जैसे इसको हल करेंगे इसका जो रिजल्ट का मान आ रहा है 2.19 बराबर 100+R/100 इधर गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा बताइए, 2.197 इसका जो मान आएगा, यहां तक नहीं लग, क्यूब रूट यहां नहीं लगेगा, यहां मान आने के बाद ही क्यूब रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा अपना 1.3, तो 1.3 बराबर 100+R/100 इधर गुणा हो जाएगा और गुणा होगा तो पॉइंट हटेगा 0, 130, आर का मान आ जाएगा 30% और ये आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। और अगर आपको सर इसको फिर डायरेक्ट करना चाहे तो और क्या तरीका है, तो वो चीज हमें समझनी होगी थोड़ा, 10 1.3 आ रहा है ना, अप्रोक्स वैल्यूज बनेगी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4400 रुपए 8% में 4576 हो जाते हैं तो समय कितना होगा, तो मैंने बताया ना
मिश्रधन बटा मूलधन। चार का भाग जा सकता है, चार एकम चार, चार एकम चार, चार चौक सोलह, चार का भाग ग्यारह सौ, ग्यारह का भाग 104, ग्यारह का भाग 100, फिर चार का भाग चार दूनी आठ और छह बार चार का भाग 25, 26 बटा 25, ठीक है 26 बटा 25 आ गया। अच्छा अर्धवार्षिक है, सॉरी है ना, तो दर 4% हो जाएगी 104, 26 और 25, तो कितना बढ़ जाएगा देखिए, 26 और 25 आ रहा है, इनको हल कर लेंगे तो 26 और 25 की पावर एक बन रहा है, और पावर एक बन रहा है ना तो इसका मतलब समय कितने महीने रहा होगा, 6 महीने तो रहा होगा, तभी तो पावर एक का फिर डबल हो गया होगा 6 6 महीनों से। ओके समय 6 महीने होगा और 6 का फिर एक, किसी की पावर एक बन रहा है ना, ये इसके आगे वैल्यू कटेगी नहीं, यानी मान रुक चुका है। अगर एक घात होती तो समय एक साल बोलते हो, दो घात होती है तो दो साल, तीन साल, तीन घात होती तो तीन साल, अगर ये एक साल बन रहा है इसका मतलब समय रहा कितना होगा एक्चुअल में, 6 महीने रहा होगा, तभी तो 6 महीने यहाँ पर अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित होते हैं। 6 महीने होते तो 6 मंथ में ब्याज लगता है। एक नई योजना के तहत 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है, सूरज 10,000 जमा कराता और अंत में 28,561 मिलते हैं, तो कितने समय के लिए जमा कराया गया था, 28,561 बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 130 बटा 100 की पावर टाइम हमें लाना है, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 28,561, वैसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हो आप 10,000 से वो वाले तरीके से, 28,561 बटा 10,000, तो 13 और 10 से संबंधित है ये समझना पड़ेगा हमें, 13 और 10 से संबंधित है, तो ये 13 की पावर और ये 10 की पावर 4 होता है, और 4 होता है तो आप ही बताइए समय हो गया 4 वर्ष, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके तो ये था अपना चैप्टर चक्रवर्ती ब्याज, उम्मीद करता हूँ सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार जो अंतर वाले क्वेश्चन मैंने कराए उन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। थैंक यू, जय हिंद।